वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना गाइज, आज मैं आपको आईपीएल से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को देखना एंड तक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे स्पोर्ट्स से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आप मिस ना कर सको। साथियों, आईपीएल होने वाला है लगभग एक महीने बाद, और अभी तक सभी लोगों को इसी बात का इंतजार है कि आईपीएल आखिर होगा कहां? तो इसका उत्तर आज मैं आपको बता ही देता हूं। दोस्तों, मुंबई और अहमदाबाद में आईपीएल के 14वें सीजन के मैचों का आयोजन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मुंबई के 4 वेन्यूज पर लीग स्टेज के मैचों का आयोजन हो सकता है, जबकि अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्ले ऑफ राउंड के मैच खेले जा सकते हैं। साथियों, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, लीग स्टेज के मैचों का आयोजन 4 स्टेडियमों में करने की चर्चा की गई है। तो इस हिसाब से आईपीएल 14 की शुरुआत अप्रैल के दूसरे हफ्ते या उसके बाद हो सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सोर्स ने IANS से कहा, फिलहाल मुंबई के 4 स्टेडियमों में लीग मैचों की मेजबानी करने की चर्चा हुई है। इसमें ब्रैडबॉर्न स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम और रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। गाइज, प्लेऑफ मैचों का आयोजन अहमदाबाद के मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, टूर्नामेंट का आयोजन पर अप्रैल के दूसरे हफ्ते या उसके बाद किया जा सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, सैयद मुश्ताक अली T20 और विजय हजारे वनडे जैसे घरेलू टूर्नामेंट की सफल होस्टिंग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए भारत में आईपीएल को कराने की राह आसान कर दी है। COVID-19 के कारण आईपीएल 2020 को UAE में कराया गया था। BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने पिछले महीने कहा था कि आईपीएल 2021 भारत में ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने IANS से कहा था, जैसा कि अभी तक यह तय हुआ है कि आईपीएल भारत में होना चाहिए, यदि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, यदि भारत में COVID-19 मामलों में गिरावट आती है, तो यह भारत में ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।